झांसी शहर की सड़कों पर पुलिस के तमाम अधिकारी एक ऑटो में काय बैठे। आप सोच रहे हो कि पुलिस को तो ज़्यादा तेज सवारी वाली गाड़ी में बैठे चाहिए, लेकिन पुलिस के अधिकारी बैठे हैं ऑटो में, सो जो कोनो अपराधी को पकड़ने के लाने नहीं बैठे, बल्कि झांसी के DIG और तमाम पुलिस वाले एक एक करके सवारी करत नजर आए हैं एक ऑटो की, जिसकी चालक हैं अनीता। दरअसल अनीता झांसी समेत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की पहली महिला ऑटो चालक हैं और सरकार द्वारा ऐसे स्वावलंबी लोगों को, विशेष तौर पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लाने जो कदम उठाओ गए है, और यही के तहत झांसी के DIG अनीता की ऑटो में बैठे नजर आए। चल रहा है शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसी के एक चरण में जो स्वावलंबी महिलाएं हैं और स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, और विशेष रूप से ऐसे रोजगार और स्वरोजगार अपना करके जो कभी पुरुषों के माने जाते थे, ऑटो चलाने में विनीता चौधरी जी फर्स्ट महिला है झांसी की और मेरे हिसाब से बुंदेलखंड की भी, जो ऑटो चला रही हैं और अपना स्वावलंबन और कृषि लेकर ऋण लेकर के और ऑटो चला रही हैं और उसका कर्ज भी भर रही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को पाल रही हैं। इन्होंने बहुत समय तक और रोज़गारों में भी कोशिश की, लेकिन उनको लगा कि स्वरोजगार सबसे इम्पोर्टेंट है और हम स्वयं अपना रोज़गार अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। पिछले 9 महीने से जैसा ये बता रही हैं कि हम इस ऑटो चालक व्यवसाय में हैं। शुरुआत में इनको दिक्कतें आई क्योंकि यह ऐसा व्यवसाय था जो पुरुषों का द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय माना जाता था, लेकिन महिलाओं को ऐसे व्यवसाय में आने से हम लोगों का, समाज का और पुलिस विभाग का भी दायित्व बढ़ जाता है कि उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीम है, जो हम तो यह कहना चाहेंगे कि विनीता की सवारी सबसे सुरक्षित सवारी और ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हम लोग यह भी इनको सुरक्षा का तो साथ साथ सुरक्षा का तो हम लोग वातावरण दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो सवारी इनकी टैक्सी में जो बैठ करके यात्रा करेगी, ट्रैवल करेगी और अपने गंतव्य स्थल तक जाएगी, वो शायद अपने आप को स्वयं सुरक्षित ज़्यादा महसूस करेगी। हम लोग यह भी दिखाना चाह रहे हैं इनके माध्यम से कि जो महिलाएं, इस तरीके की महिलाएं जो इस तरीके का स्वावलंबन के लिए रोज़गार स्वरोजगार कर रही हैं और उनको अगर दिक्कतें आ रही है, कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही है समाज से या अन्य चीज़ों से, ऐसे रोज़गार को भी अपना रही है जिसमें पहले पुरुष अपनाते थे, तो ऐसे रोज़गारों में अगर उनको समस्या आ रही है तो हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमने उनकी टैक्सी पर हम लोग स्टिकर्स लगवाएंगे जो जिसमें पुलिस के सभी नंबर्स होंगे, या कभी भी उन पुलिस के नंबरों पर संपर्क करें और अपने लिए या अपनी सवारी के लिए जो भी सेफ्टी के इश्यूज़ हैं उससे एड्रेस कर सकती है और हमसे बात करके उनकी सहायता हम लोगों से ले सकती है। हम लोग इसके लिए एक महिला हेल्प डेस्क, आज हम विनीता चौधरी जी को महिला थाना हम दिखाएंगे और लेके जाएंगे। महिला थाने में हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है, स्थापित किया है, जिसके माध्यम से ऐसी महिलाएं जो इस तरह से स्वरोजगार में रह रही हैं और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये ड्यूटीज़ करती हैं, तो ऐसी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझें और यहाँ आराम से अपना रोज़गार चला सके, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं और उनके साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, ITU विभाग हो, अन्य विभाग हो, जहाँ से इनको चाहिए सहायता चाहिए वो सहायता भी पुलिस विभाग इनको आगे बढ़कर दिलाएगा। हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन पहले घटना घटित हुई थी विनीता जी के साथ, उसमें हम लोगों ने तत्काल मदद करी, हमारे सर्कल अफसर जाकर के उनकी मदद करी और हम लोग इस तरह से हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। सर, जैसे मुंबई के तर्ज पे पिंक ऑटोज चलते हैं, झांसी में ऐसी पिंक ऑटोज अपने आप में बिल्कुल, जो महिलाएं इस तरह से ऑटो चलाना चाहेंगी और इस तरह से जो भी स्वरोजगार के लिए आएंगे तो हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक पिंक ऑटो की बात है तो उसमें यात्रा करने के लिए सेफ्टी है और यहाँ अगर कोई महिलाएं इस तरीके के ऑटो चलाने के लिए आगे आएगी तो पुलिस जरूर मदद करेगी। दरअसल अनीता पिछले कई दिनों से ऑटो चला रही हैं और यही ऑटो को चला के भी अपने परिवार को गुजर बसर कर रही हैं। झांसी की सड़कों पर ऑटो चलात अनीता महिलाओं के आत्मनिर्भर होवे की दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। आपकी राह देख रहा है एकलव्य यूनिवर्सिटी में, चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD,
आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाव ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को।